श्री स्वामी जी महाराज ने एकदा दो अप्रैल 1959 सत्संग में वर्णन किया कि मुझे एक वर्ष हो गया मैं आपके सम्मुख राम की ईश्वर की महिमा का वर्णन करता आया हुआ। राम नाम उर में गयो जाके सम नहीं कोई। ये राम नाम की महिमा अनादि काल से गाई गई है वही मैं वर्णन कर रहा हूं। वेद पुराण मुनिजन अनादि काल से नाम की महिमा को स्वयं अनुभव करके इसको गाते चले आए हैं वही मैंने किया। यह मेरा अजमाया हुआ है। कोई यूं ही सुनी सुनाई बातें महापुरुष कदापि नहीं कहा करते। नाम में नामी यूं बसे पुष्प में ज्यों सुवास। नाम में जो नाम सिमरन है जिसके नाम का हम जाप करते हैं वह अपने नाम में इसी प्रकार समाया हुआ है जैसे फूल में सुगंधि समाई हुई है। जिस प्रकार ईख में गन्ने में मिठास समाई हुई है इसी प्रकार वह इष्ट देव परमात्मा ईश्वर अपने मंत्र में समाया हुआ है। अब मंत्र में वह परमात्मा आप विराजमान है। जब मानव अपने मन में अपने घट में अपने हृदय में नाम सिमरन करता है अपने भीतर उसके नाम तार हिलती हुई उसे प्रतीत होती है तो जहाँ नाम है वही नामी है। जिस हृदय में जिस घट में नाम सिमरन होता है उस घट में उस हृदय में वह परमात्मा आप विराजमान रहता है। और जिसके भीतर उस परमात्मा का प्रकाश है टोटा घाटा हो नहीं संपत मिले अनेक। वह तो शहंशाह है वह तो राजा है। केवल धन दौलत आ जाने से राजा नहीं होता। राजा होता है जो कुछ प्राप्त है सहर्ष उस परमात्मा का धनवाद सहित नाम सिमरन में जो सुख है जो आनंद है जो वह स्थिति है एक बादशाह को भी नहीं प्राप्त होगी जो एक संत को एक फकीर को जो आनंद और शांति प्राप्त होती है यह देता है नाम सिमरन नाम जाप। सिमरन राम नाम है संगी सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी। यह कदापि अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ता। सदैव अपने उपासक अपने भक्त के अंग संग विराजमान रहता है और भक्त की उन्नति दिनों दिन होती चली जाती है। मनुष्य को अपना जीवन सुंदर चरित्रवान बनाना चाहिए अगर साधना में आगे बढ़ना है। अगर यह आत्मिक आनंद को अनुभव करना है
तो कुछ परहेज हैं, उनमें सबसे बड़ा कार्य जो करने वाला है, अपने को चरित्रवान बनाना है। परहेज क्या करना है? दूसरे की निंदा, चुगली, दूसरे की बुराई। चंगियां या बुराइयां वाचे तरम हदूर, ये कार्य कौन अच्छा कर्म कर रहा है, कौन बुरा कर्म कर रहा है। चंगियां अच्छे कर्म, बुराइयां बुरे कर्म। चंगियां बुराइयां वाचे तरम हदूर, इसकी विवेचना वह परमात्मा करता है। तू क्यों किसी की कमियां देखता है, तू क्यों अपने मुख के द्वारा दूसरे की कमियां वह वर्णन करता है, तू क्यों दूसरों के कमियों को अपने कानों से सुनता है। परहेज, ना किसी की निंदा करनी है, ना किसी की निंदा अपने कानों से सुननी है। किसी को मंदा बोलना नहीं, कोई मंदा बोल रहा है तुरंत वहां से हट जाओ, सुनना नहीं। ये चरित्र में प्रमाण है। जो कहते हैं ना कि अपना चरित्रवान बनना केवल व्यभिचार ही बुराई नहीं है। तोले जग में पाप सब, ध्यान तुला में आप, निंदा भारी पाप है सभी पाप का बाप। निंदा करना और सुनना ये बहुत बड़ा पाप हमारे ग्रंथों में वर्णन किया गया। आप किसी की कमियां देख रहे हैं, कोई दूसरा आप में कमियां देख रहा है। आपकी दृष्टि में उसमें कमियां हैं, उसकी दृष्टि में आपकी कमियां हैं। अगर देखना ही है तो अपने भीतर देखो। बुराई देखनी है तो जो मेरे अंदर बुराई है, जो मेरे अंदर कमी है वह देखो। देखना ही है तो दूसरों के गुण देखो। लाभ क्या होगा? वह भीतर परमात्मा जब आप नाम का जाप करते हैं और अपने चरित्र को इस ढंग से बना लेते हैं, ना काहू से दोस्ती, दोस्ती ना काहू से राग, गाढ़तम प्रीति, गाढ़तम प्रीति, प्रीति जिससे राग होगा उसकी अनुचित बात को भी आप मान लेंगे, अनुचित बात को भी। अगर गाढ़ प्रीति नहीं होगी तो फिर आपकी वाणी में नाम जाप से यह बल हो जाएगा। एक तो झूठ सुनते ही आप कह देंगे कि ये बात सत्य नहीं है, ये बात करनी व्यर्थ है। आंतरिक उन्नति कैसे होती है? आंतरिक उन्नति। अन्यथा व्यक्ति जाप भी करता है और बद परहेजी भी करता है, ये जो सब निंदा बुराई कमियां अपने मुख से भी बोलता है, दूसरों की कानों से सुनता भी है, तो नाम सिमरन में ध्यान की लीनता की लय अवस्था में ये परस्पर विरोध है, ये नहीं लगने देता, ये सिमरन में मन नहीं लगने देता। ये एक बीज बोया उसको जल से सींचना है, खाद से सींचना है, अगर उसमें तेजाब डालते चले जाओगे तो वह बीज कैसे फलेगा? नाम बीज हृदय में बोवे, नाम बीज आपके हृदय में है, अगर ये बाहर की बुराइयां निंदा चुगली ये एक दूसरे को नीचे दिखाने के भाव अगर ये भी अपने मन में रखे जावेंगे तो वह नाम जाप का जो प्रभाव है वह आपके ऊपर अवतरित नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। मैंने मत्था टेका, मैं गुरुद्वारा गई, मैं मंदिर गई, मैंने नाम जाप सुना, मैंने सत्संग सुना और लेकिन लाभ नहीं हुआ, नहीं होगा।
अपना भीतर टटोलो, अपना भीतर टटोलो, वह तो भीतर ही मिलेगा। शांति आनंद ये आंतरिक अवस्था का वर्णन है, ये बाहर से नहीं प्राप्त हो सकती। और फिर सबसे बड़ी बात जो है, ये जो बुराइयां हैं वर्णन की गई हैं निंदा चुगली की, ये अपने आप को दुख देने का कारण बन जाते हैं। मानव बड़े चस्के लेकर दूसरों की बातें करता है, यह भूल जाता है कि मैं जहर घोल रहा हूं अपने ही जीवन में। आने वाला समय वैसी जैसे कटुतर कटुतर शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वैसे ही कांटे जीवन में औंकर हो आवेंगे और जो कष्टकारी हो जावेंगे। तब गुरु महाराज ने कहा, अपनी संतान की रक्षा करो, पहले अपना सुधार, अपने आप को चरित्रवान बनाओ, फिर अपनी संतान को इस मार्ग की ओर सदैव सजगता से लगाए रखना। मोह जो वास्तव में समझदार माता पिता है, बहुत अच्छे से लालन पालन करते हैं, परंतु आंख कसाई की रखते हैं। कोई यूं ही नहीं, हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो मार्ग दिया हुआ है, आज समाज बिगड़ रहा है जो हम अपने बुजुर्गों की बातों को भूल चुके हैं, अपने महापुरुषों की बातों को जो भूल चुके हैं, उसी का कारण है जो समाज का बिगड़ा हुआ रूप हमारे सम्मुख आ गया है। साखियां नहीं सुनाते आगे, दादा दादी नाना नानी साखियां सुनाया करता, गुरुजी ने कैसे अपने जीवन को बिताया, गुरुजी ने कैसे परहित परोपकार के कार्य किए। 20 रुपए पिता ने दिए सच्चा सौदा के लिए, भूखे संतों को भोजन करवा दिया। पिता ने कहा, क्या किया बाबा नानक से, नानक क्या किए 20 रुपए का। पिताजी मैं तो वह सच्चा सौदा कराया हूं, आज जो लंगर चल रहे हैं श्री गुरु द्वारा साहेब में, और जो इतने पकवान पक रहे हैं लंगर में सभी के लिए खुले हैं, वह बाबा के 20 रुपए दिए हुए हैं, उसका ब्याज ही इतना है। आप गिनो तो सही, लगभग ये 1482 की बात होगी जब ये सच्चा सौदे के लिए बाबा नानक को रुपए दिए गए पिता द्वारा। वहां से लेके आज तक खरबों रुपए बन जाते हैं, ब्याज दर ब्याज, ब्याज दर ब्याज, उसी ब्याज वही सच्चे सौदे से आज तक लंगर चल रहे हैं। ये कहानियां, ये साखियां ना बच्चों को सुनाई जा रही हैं, ना बच्चों को बताया जा रहा है। बच्चों के अंदर सेवा भाव कैसे उमड़ेगी, वह कैसे सेवा को महत्वपूर्ण समझेंगे इत्यादि। तब गुरु महाराज ने कहा, जब तक मानव में सच बोलने का साहस नहीं होगा, उसके अंदर निर्भयता नहीं हो सकती। झूठ सुनना, झूठ बोलना, मानव अपनी हानि आप करता रहता है। ईश्वर के समीप जाने के लिए जीवन के स्तर को ऊंचे उठाने के लिए निर्भयता की आवश्यकता है, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए निर्भयता होनी चाहिए। यह दैवी संपत्ति है, यह देवी देवताओं के गुण है, दिखावा नहीं है। वास्तविक जीवन ऐसा बन जाता है मानव का। ये दैवी गुण निर्भयता देते हैं, मानसिक भय इससे दूर हट जाता है, मानसिक भय। तभी राम की शक्ति परिपूर्ण आपके ऊपर वह प्रभाव देती है। इस अवस्था में जब वह मानव नाम का जाप करता है, उसके लिए कहा तारक मंत्र राम है,
उसको तारने वाला है। झूठ, फरेब, निंदा, चुगली, वैर, विरोध ये भी करते चले जाओ, सिमरन भी करते चले जाओ, गुरुद्वारा मंदिर में मत्था भी टेकते चले जाओ, लाभ नहीं हुआ करते। तो अपने जीवन को चरित्रवान बनाना, तो चरित्रवान में ये भी अपने नियम को पक्का कर लेना कि मैं जीवन में सदैव अपनी उन्नति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए नाम को सर्वप्रथम स्थान दूंगा। सबका आदर है परंतु अनुचित बात को मैं नहीं मानूंगा। समय पूरा हो रहा है क्योंकि प्रशासन ने रात्रि को कर्फ्यू अनाउंस कर दिया है, तो अब तो अगले जितने मंगलवार आवेंगे दिसंबर में जप यज्ञ चल रहा होगा, तो आज की सभा को यही विराम दिया जा रहा है ताकि सभी अपने समय पर घर पहुंच जावे। अखंड जप महायज्ञ सम्मुख है अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। यह वह सुसमय है, बीता समय हाथ नहीं आवेगा। भय नहीं होना चाहिए, निर्भयता हर साधक में होनी चाहिए और अपना सुधार के लिए परमेश्वर से याचना करना और प्रार्थना करना और दिनों दिन आप उन्नति करते चले जावेंगे और देव अधिदेव की कृपा आप पर अवश्यमेव बरसती रहेगी। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने राम 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 राम।